हेलो 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 नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग हिस्ट्री में, आधुनिक भारत में 1857 से स्टार्ट करेंगे। और 1857 जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि उससे पीटी और मेंस में लगभग सवाल तय होता है कि 1857 से एक सवाल ज़रूर आएगा। और उसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस शो में 2 क्लास में ख़त्म करूँगा, और उसके बाद आपसे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो सब हम लोग इसी क्लास में डिस्कशन करेंगे कि 1857 से रिलेटेड कोई मेंस का सवाल, कोई पीटी का सवाल आपसे नहीं छूटना चाहिए। एक कोशिश करूँगा कि आपको इतना इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊँ कि आपके दिमाग में एक नक्शा बन जाए कि आपको 1857 या कोई भी टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपसे छूटे नहीं। और सभी को गुड इवनिंग। जो मेरे सामने लोग दिख रहे हैं, रितु जी, जुगनू जी, धीरज जी, स्वयं भाव मनु पांडे, बड़ा अच्छा नाम है आपका, प्रिया शेखर जी, सनोज जी, चलिए तो सभी क्लासेज होंगी। अब एक दिन में अगर 5 क्लास हो जाए, टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, 5 क्लास 6 क्लास हो जाए तो अब बाउंस होगा, तो ग्रेजुअली सभी क्लासेज चलेंगी। अभी जैसे आपको हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी आपको चल रहा है, ठीक है? तो अब तैयारी में एक दो चीज़ आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि मुझे इस बार सेलेक्ट होना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, और उसके लिए मेहनत कीजिए। जितना मेहनत कीजिएगा उतना कॉन्फिडेंस आएगा। एक ही सीक्रेट है सफलता का, मेहनत। आप जिस दिन, मैं खुद आपको लिख के दे रहा हूँ, आप जिस दिन 8 घंटे 7 घंटे पढ़ लीजिएगा, उस दिन आपके मन में अपने आप हौसला आने लगेगा कि मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। तो कोशिश कीजिए कि 8 घंटे 7 घंटे पढ़िए, दिमाग से वो चीज़ हटा दीजिए कि मेरा सफलता नहीं मिल सकती है। वो कहानी एक बार फिर सुनाता हूँ आपको कि आप क्यों दौड़ रहे हैं वो मैटर करता है। एक बार हिरन, और मेरी फेवरेट कहानी है, मैंने इसी कहानी से अपने आप को बदला है। हिरन की जो दौड़ने की स्पीड होती है वो लगभग 40 किलोमीटर प्रति आवर होती है, और चीते की जो दौड़ने की स्पीड होती है वो लगभग 120 किलोमीटर प्रति आवर होती है, लगभग 3 गुना ज़्यादा होती है चीते की स्पीड। लेकिन चीता जब हिरन के पीछे भागता है तो हिरन अपनी शारीरिक क्षमता से तेज़ दौड़कर अपनी जान को बचा लेता है। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि वो क्यों भाग रहा है वो मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता है कि आप क्यों इस रेस में आए हैं। चीता भाग रहा होता है नाश्ता करने के लिए, और हिरन भाग रहा होता है जान बचाने के लिए। अगर आप जान बचाने के लिए इस रेस में आए हैं, जान बचाने के लिए आप पढ़ रहे हैं, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। अगर आप नाश्ता करने के लिए आए हैं, उस एटीट्यूड से आए हैं कि देखते हैं होगा कि नहीं होगा, तो आपका सफलता नहीं मिलेगी। हमेशा वो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, सम शीतो उष्म, हिंदी का बड़ा अच्छा टर्म है। जितना आप शीत दे रहे हैं उतना उष्म दे रहे हैं। अगर पानी आप गर्म कर रहे हैं तो जितना पानी आप गर्म कीजिएगा और जितना पानी आप ठंडा कीजिएगा, दोनों का टेम्परेचर आप बराबर रखिएगा, तो आपको कभी भी पानी नहीं खोलेगा। साइंस की क्लास आपके लिए नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगी, तो उसके लिए चिंता नहीं कीजिए, ठीक है? चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को हम लोग आज 1857 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग 1857 में एक चीज़ जानेंगे। ठीक है, क्लास में हम लोग आज पढ़ लेते हैं, फिर मैं सवाल लूँगा, ठीक है? चलिए सबसे पहले 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1857 की। क्रांति, थोड़ा मेरा हिंदी की राइटिंग थोड़ी ख़राब है, लेकिन कोशिश करूँगा मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाऊँ। अब 1857 जो है ये एक दिन की बात नहीं थी। हमारे यहाँ कब आए थे? सबसे पहले 1498 में वास्को डगामा आते हैं हमारे यहाँ। वो कोचिन पहुँचते हैं, कालीकट पहुँचते हैं, बिजनेस करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे करते करते अन्य कंपनियाँ आ जाती हैं। 1600 ईस्वी में आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है और 1608 में ये लोग आते हैं, जहांगीर के समय, ठीक है?
और ये लोग बिजनेस करने आते हैं, कोई इनका मन नहीं होता है। जैसे कि समझ लीजिए कोई कंपनी है, जूते की कंपनी है, एडिडास कंपनी है, रिबॉक कंपनी है, वो आपको आज के डेट में एडिडास अगर इंडिया में आती है तो सिर्फ बिजनेस करने के लिए आ रही है, और कोई दूसरा है, वो नहीं है इनका कि मुझे यहाँ पे आके सरकार बनाना है, एक पार्टी बनाना है, एडिडास जनता पार्टी, AJP, ठीक है, ऐसा कोई इनका वो नहीं है। लेकिन ऐसी कुछ संभावना बनती है 1757 में, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, और प्लासी के युद्ध में क्या होता है कि इनको सरप्राइजिंगली एक जीत मिल जाती है, उनको एक सरप्राइजिंगली जीत मिल जाती है, और इस जीत के कारण क्या होता है, इनका हौसला बुलंद हो जाता है। जो मैं आपसे बात अभी कह रहा था कि एक छोटी सी जीत आपके हौसले को बुलंद कर देती है। मैं अच्छे से सब कुछ समझाऊंगा, और प्रिया जी आप चिंता नहीं कीजिए, क्लास के बाद मैं आपसे फीडबैक लूंगा कि आपको कितना मज़ा आया, ठीक है। तो हम लोग अभी तक समझे हैं कि एक बैकग्राउंड समझ लिया हमने, पृष्ठभूमि देखिए, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं हम लोग तो तीन चार चीज़ों पे हम लोग आज फोकस करेंगे, या किसी भी समय फोकस करेंगे, ठीक है। पहला है कि जब 1857 पढ़ रहे थे हम लोग, इसको हम लोग टोटल पाँच भाग में बांट के पढ़ेंगे। पहला इसका पृष्ठभूमि, ठीक है, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या है, क्यों ऐसी नौबत आई कि इस युद्ध को या क्रांति को या जो भी स्वतंत्रता संग्राम है इसको होना पड़ा, ठीक है। दूसरा हम लोग जानेंगे कि इसका स्वरूप क्या था, स्वरूप पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, PT और मेंस दोनों पे, ठीक है, स्वरूप क्या था। तीसरा हम जानेंगे कि इसके कारण क्या था, पृष्ठभूमि और कारण में अंतर समझिएगा, कारण क्या था कि किन किन कारणों के कारण लोगों के मन में ये आक्रोश आया कि हम लोग इसको युद्ध को लड़ें। जैसे आज ही आपके डेट में आप, हो सकता है सरकार से आपके प्रति, सरकार के प्रति आपके मन में कुछ आक्रोश है, जो लेकिन आप युद्ध तो नहीं करने जा रहे हैं, ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि लोग को युद्ध करना पड़ गया, ठीक है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ हुआ, एक्सपेंशन कहाँ कहाँ हुआ, ठीक है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट है इसका परिणाम क्या हुआ, ठीक है, परिणाम क्या हुआ, ठीक। पांच भाग में पढ़ेंगे हम लोग, पृष्ठभूमि, स्वरूप क्या था, कारण क्या था, विस्तार क्या था, और परिणाम क्या था, ठीक है। यहां तक आप समझ गए जो हम लोग यहां चर्चा कर रहे थे। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, इन युद्धों पे भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो बक्सर का जो युद्ध होता है, और बक्सर के युद्ध के बाद इनको जब इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, और इनको मिल जाता है, क्या मिल जाता है इलाहाबाद की संधि में, दीवानी। दीवानी क्या होता है भैया, अब आप टैक्स वसूलिए, अब आप यहाँ पे राज्य कीजिए। इनके मुंह में खून का स्वाद लगता है, यही 1764 में आके पहली बार इनको दीवानी मिलती है। दीवानी का मतलब हो गया कि टैक्स कलेक्ट कीजिए, और यहाँ का सारा माई बाप आप ही हो गए। और उसके बाद से ही लोग क्या करते हैं, जो कंपनी आई थी बिजनेस करने, ये एडिडास कंपनी जो बिजनेस करने आई थी, अभी अपना पॉलिटिकल पार्टी बना के एक जगह से समझ लीजिए चुनाव जीत जाती है, और वहाँ इसका शासन हो जाता है। जो बंगाल, जो अभी का बंगाल, उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों मिला के था, और वहाँ इनका शासन शुरू हो जाता है, और यहीं पर आके ये लोग एक जो व्यापारिक कंपनी थी ये बिजनेस मोड में आ जाती है, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको, कैसे ये लोग व्यापार करने आए थे, और व्यापार करने के बाद 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर के युद्ध के बाद इनको दीवानी मिल जाती है। दीवानी मतलब क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन राइट मिल जाता है इनको, रेवेन्यू कलेक्शन करने का राइट मिल जाता है इनको कि आप पैसा वसूलिए। और जब एक बार ये देखते हैं कि तो बड़ा अच्छा है यार, आप पैसा कमाने आए थे दो जूता बेच के, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि दो जूता बेच के आप 10 रुपये कमा रहे थे, अब तो पूरा आप ही को टैक्स वसूलना है, पूरा आप ही मालिक बन चुके हैं, अब तो मजे ही मजे हैं, पैसा ही पैसा है। और बिजनेस कंपनी आई थी, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, एक कंपनी आई थी, कोई एक ब्रिटेन नहीं आया था, एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा लीजिए। कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम था, वो व्यापार करने आई थी, ब्रिटेन अभी नहीं आई है, डायरेक्ट ब्रिटेन का राज आपको 1858 1858 में स्टार्ट होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, तो ये हो गया इसका बैकग्राउंड क्यों आई थी। दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्वरूप। स्वरूप क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर कई बार डिबेट हो चुका है कि इसका स्वरूप क्या है। तो हम लोग स्वरूप पे पढ़ेंगे, तीन तरह के स्वरूप पे हमेशा चर्चा होती है। पहला है
सैनिक विद्रोह, ठीक है, क्या है पहला? सैनिक विद्रोह। दूसरा क्या है आपको? राष्ट्रीय विद्रोह, ठीक है। और तीसरा क्या है आपको? तीसरा है आपको स्वतंत्रता, स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, संग्राम हो गया, ये विद्रोह नहीं था, ये संग्राम, ठीक। चलिए अब तीनों का अंतर समझिए। अब देखिए यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया, इसमें मधु कुमारी जी लिख रहे हैं कि इंग्लिश में भी पढ़ाइए, इंग्लिश की बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है। स्वरूप का मतलब क्या होता है? नेचर। आप घर में हिंदी इंग्लिश में बात करते होंगे तो इंग्लिश, तो नहीं, एडिडास ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी दिव्या जी, वो मैंने एक आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट डालने के लिए बताया, कंपनी का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो इसका जो नेचर था, ये तीन तरह का नेचर था इसका जिस पर कि चर्चा होती है। पहला था ये सैनिक विद्रोह, दूसरा था राष्ट्रीय नेशनल विद्रोह, नेशनल, और तीसरा था इसका स्वतंत्रता संग्राम, इंडिपेंडेंस के लिए वॉर, ठीक है। क्यों ये सैनिक विद्रोह बोला जाता है? तो कुछ लोगों ने बोला कि भैया ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था, जो पूरी सेना थी उस सेना में से कुछ लोगों को कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था और उस पर्सनल प्रॉब्लम को उन्होंने उठाया और इस बात को दबा दिया गया, ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं था, ठीक। क्यों ऐसा बोला गया? ऐसा इसीलिए बोला गया क्योंकि ब्रिटेन या पूरे वर्ल्ड में वो लोग इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करना चाहते थे। कभी कभी आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई बाहर वाला आता है, क्या हुआ था? आप क्या बोलते हैं? अरे कुछ नहीं, ये छोटी मोटी लड़ाई थी बस, ऐसी बातचीत हो गया था, ठीक। तो आप क्या कहते हैं? आप बाहर वालों को बताते नहीं हैं कि आपके घर में क्या हुआ था, यही होता है। तो इसीलिए इस चीज़ को समझिएगा, इस पर कई बार मेंस में और पीटी में क्वेश्चन आ चुका है, मैं सारे क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आपको समझेगा कि मैं क्वेश्चन पे इस टॉपिक पे क्यों आपको इम्फेसिस कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो सैनिक विद्रोह में क्या बोला गया कि कुछ सैनिक थे, उनका कुछ निजी था, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था और उस पर्सनल प्रॉब्लम को उन्होंने उठाया कि भैया मुझे ये पर्सनल प्रॉब्लम है, और उस पर्सनल प्रॉब्लम के जवाब में थोड़ी बहुत बहस हुआ और उसको खत्म कर दिया गया, दबा दिया गया और मैटर खत्म हो गया। ये कौन बोलेगा ये बात? जो लोग लाइव है बताइए, इस तरह के बात कौन बोलेगा कि 1857 की जो क्रांति थी मात्र सैनिक विद्रोह था और कुछ नहीं है? बताइए कौन बोल सकता है इस तरह का बात? इस तरह की बात जो बोलेंगे वो ब्रिटेन के लोग ही बोलेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे इसको हाईलाइट करना, ठीक है। तो इस तरह की जो बात है, ये सैनिक विद्रोह वाली बात है, ये कौन बोलेगा? तो सैनिक विद्रोह वाली जो बात है ये आपको, सैनिक विद्रोह वाली जो बात है ये आपको बोलेंगे ब्रिटेन के लोग। तो इसमें आप दो नाम आप जान लीजिए क्योंकि ये पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है, सर जॉन लॉरेंस, ठीक है, सर जॉन सीले, सर जॉन सीले, ठीक है, ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट नाम हैं। उसके बाद दो लोगों ने और कहा था, एक थे ट्रेवेलियन और एक थे होम्स, कुल चार लोगों ने ये कहा था। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आएगा? क्वेश्चन आएगा यहाँ से, सर सैयद अहमद खान, इन भाई साहब ने भी यही कहा कि ये एक सैनिक विद्रोह था। अब आपको, आपने जब किताब पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपको पता चल गया कि ऐसी बात कौन कहेगा? अंग्रेज कहेंगे, अंग्रेज कहेंगे, ठीक है। लेकिन एक भारतीय ने भी ये बात कही थी, सर सैयद अहमद खान ने, उन्होंने अपनी किताब इस पे लिख दी थी, किताब का नाम था अशबाब, थोड़ी मेरी हिंदी की राइटिंग खराब है, आप लोग कॉपरेट कीजिएगा, अशबाब ए बगावत, अशबाब ए बगावत ए हिंद, ठीक है। और एक महारथी और थे, दुर्गादास, ठीक। तो सवाल कहां से आएगा? सवाल इन्हीं दोनों से आएगा,
किसने कहा था सैनिक विद्रोह, तो ऊपर वाले नाम तो आपको सर जॉन लॉरेंस, सर जॉन सीले, ट्रेविलियन, होम्स, ये तो याद हो ही जाएंगे और कई बार जब आप क्वेश्चन कीजिएगा, घटनाचक्र से प्रैक्टिस कीजिएगा, कहीं से प्रैक्टिस कीजिएगा, पूछेंगे। लेकिन सर सैयद अहमद खान, हाँ, इन लोगों ने अपना स्टेटमेंट दिया था और इन्होंने तो किताब लिखी थी, सर सैयद अहमद खान ने किताब लिखा था। ये किताब मेरे सर से थोड़ा सा हट गया है, मैं बता देता हूँ, अशबाबे बगावत हिंद। इस किताब में इन्होंने कहा कि ये छोटा मोटा सैनिक विद्रोह था, ठीक, और दुर्गादास। तो ये दोनों चीज अगर आप नोट बना रहे हैं तो इन दोनों चीज का ये आप छह नाम जरूर लिख रहे, छह में इन दोनों पे आप लाल पेन से अंडरलाइन कर दें, क्योंकि सवाल अगर आएगा तो ही आएगा कि सैनिक विद्रोह 1857 की क्रांति को किसने कहा था, और उसमें से नाम होंगे आपको उदाहरण के तौर पे एक दो नाम दे दिए जाएंगे, ऐसे कैनिंग दे देगा, ये दे देगा, वो दे देगा, और एक दे देगा सर सैयद अहमद खान। आप तो सबसे पहले सर सैयद अहमद खान को काट देंगे कि ये तो भारतीय लग रहे हैं, या दुर्गादास जी के नाम को काट देंगे तो भारतीय लग रहे हैं। लेकिन इन्होंने, हाँ, ये इंडियन थे। देखिए, इंडियन होके इंडिया के अगेंस्ट बोला इन्होंने। इन्होंने क्या बोला कि 1857 की जो क्रांति हुई थी वो कि क्रांति नहीं थी, वो एक छोटा मोटा सैनिक विद्रोह था। 10 सैनिक को खाना नहीं मिला या कुछ उनको सैलरी कम मिली थी, इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया और उसको तुरंत दबा दिया गया। ये कोई बहुत मेजर काम नहीं था, इसीलिए। जबकि 1857 की जो क्रांति थी अपने आप में बहुत पूरे भारत में लगभग फैल गई थी, ठीक है। तो अब मेरा सवाल है कि सैनिक विद्रोह इसको बोला गया कि क्योंकि सैनिकों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। क्या सिर्फ सैनिकों ने पार्टिसिपेट किया था? अब आप बताइए, 1857 की क्रांति में क्या सैनिकों ने सिर्फ पार्टिसिपेट किया था? नहीं, वो है ना खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ऐसे झांसी वाली रानी थी, जगदीश सिंह जो हमारे बाबू, ये कुंवर जगदीश सिंह थे, नाना साहब थे, तांत्या टोपे थे। तो इसको सैनिक विद्रोह कहना सही है? नहीं, इसको सैनिक विद्रोह कहना सही नहीं है। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक क्या था इसका? तीन तरह के मैंने बताया स्वरूप क्या है, तीन स्वरूप है इसका। पहला स्वरूप था सैनिक विद्रोह, सैनिक विद्रोह किसने किसने कहा, और मेरे हिसाब से सैनिक विद्रोह नहीं था ये। तो हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, क्या ये राष्ट्रीय विद्रोह था, ठीक है, क्या ये राष्ट्रीय विद्रोह था कि नहीं था, बताइए राष्ट्रीय विद्रोह था कि नहीं था ये? विवेक जी सही बात है, नहीं है, जुगनू प्रिया जी नहीं है। चलिए, राष्ट्रीय विद्रोह का मतलब क्या होता है कि ये पूरे राष्ट्र में फैला हुआ था, हर कोई इस विद्रोह में आया था, लेकिन उनका प्राइमरी एम था कि मेरा पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। कुंवर जगदीश सिंह जी आए थे कि उनका जमींदारी आ जाए, झांसी की रानी आई थी कि उनके दत्तक पुत्र को मान्यता मिल जाए, अन्य कई लोग आए थे कि उनका एक पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो लेकिन ये फैला हुआ था पूरे राष्ट्र में, राष्ट्र के कई वर्गों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन ये इंडिपेंडेंस के लिए नहीं किया, ठीक है। फर्स्ट स्लाइड एक बार और दिखा दूं, फर्स्ट स्लाइड मैंने यहाँ से शुरू किया था, सेकंड स्लाइड ये है। पृष्ठभूमि हम लोग पढ़ेंगे, स्वरूप पढ़ेंगे, कारण पढ़ेंगे, विस्तार पढ़ेंगे। पृष्ठभूमि पे हमने चर्चा कर लिया, स्वरूप पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। स्वरूप में तीन तरह का स्वरूप है इसका, सैनिक विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। और इसमें सैनिक विद्रोह हमने कर लिया, अब हम जा रहे हैं राष्ट्रीय विद्रोह पे स्विच कर रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रीय विद्रोह, अब राष्ट्रीय विद्रोह का मतलब क्या होता है कि सभी वर्ग के लोग ने पार्टिसिपेट किया, मतलब शामिल हुए इस क्रांति में, ठीक है। तो इसको किसने कहा था? इसको कहा था अशोक मेहता ने, अशोक मेहता ने। अब क्वेश्चन यहां से कहां आएगा, इसको एक और इंसान ने कहा था, बेंजामिन डिजराइली ने, ठीक है, बेंजामिन डिजराइली, मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, डिजराइली। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है?
को ये अंग्रेज होके भी इन्होंने भारत के पक्ष में बात कही कि नहीं भैया ये सैनिक विद्रोह नहीं था, ये राष्ट्रीय विद्रोह था। क्या था ये सैनिक विद्रोह नहीं था, ये राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक ठीक ये सैनिक विद्रोह नहीं होकर राष्ट्रीय विद्रोह था, ये किसने कहा? अशोक मेहता जी ने कहा और बेंजामिन डिजराइली ने कहा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, सवाल यहीं से आएगा कि राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था। उसमें एक नाम अंग्रेजी नाम होगा तो आप सोचिएगा कि नहीं ये तो सैनिक वाले कैटेगरी में होगा, सैनिक विद्रोह कहा होगा, लेकिन ये है आपको बेंजामिन। ठीक है, अब तीसरा जो है स्वतंत्रता संग्राम, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। स्वतंत्रता संग्राम ये किसने कहा था? तो सबसे पहला नाम जो आएगा वीडी सावरकर। सावरकर ये कहाँ कहा था इन्होंने? तो इन्होंने कहा था अपनी किताब में, ठीक है, और इन्होंने कहा था कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, आज़ादी के लिए था, और इसमें सभी लोग ने हिस्सेदारी की थी। ठीक, हाँ, ये अभी आगे डिस्कस करेंगे। शुभम जी, आपने अच्छा पॉइंट उठाया, साउथ इंडिया में एक्टिव था कि नहीं, अभी हम लोग आगे इस पर जाएंगे। ठीक है, अब कुछ स्रोत जान लेते हैं कि कुछ स्रोत में जहाँ पे 1857 का चर्चा किया गया है, क्योंकि हम लोग को पीटी को मद्देनज़र पढ़ना है, और पीटी में आजकल लेवल टू के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेवल टू का मतलब क्या होता है? जो क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं, उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो स्रोत कहाँ कहाँ है इस चीज़ का? ठीक है, स्रोत, सोर्स। पहले एक बार सभी लोग बता दीजिए कि यहाँ तक क्लियर है आपको कॉन्सेप्ट, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। नहीं, ये प्रिया जी आप आगे चलिएगा तो समझिएगा कि नहीं ये पहला विद्रोह नहीं था। ठीक है, क्लियर है? दिमाग में एक आइडिया बैठ गया कि 1857 पे हम लोग वन लाइनर में बहुत कम जानेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग थोड़ा सा चीज़ हमने जानना शुरू किया कि 1857 को हम लोग कैसे बांट रहे हैं। 1857 को हम लोग सबसे पहले पांच भाग में पढ़ेंगे, पृष्ठभूमि पढ़ेंगे। पृष्ठभूमि क्या था कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद इनको दीवानी एडमिनिस्ट्रेशन राइट मिला, और इस एडमिनिस्ट्रेशन राइट के कारण इन्होंने कई ऐसे कदम उठाए जो कि भारतीयों के अगेंस्ट थे, उसी कारण से ये चीज़ नौ बताया। स्वरूप हमने पढ़ा, तीन तरह का स्वरूप है, सैनिक विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम। सैनिक विद्रोह क्या था कि सिर्फ सैनिक ने पार्टिसिपेट किया, राष्ट्रीय विद्रोह क्या था कि राष्ट्र के कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन उनका एम कुछ और था, उनका पर्सनल उनकी नीड थी उसके लिए किया। और स्वतंत्रता संग्राम का मतलब क्या होता है कि उन्होंने कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन उनका एम कॉमन था कि हम भारत को आज़ादी दिलाएंगे। ठीक है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं। तो हम लोग कुछ अब सोर्स जान लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सैनिक विद्रोह किसने कहा था? सर जॉन लॉरेंस, सर जॉन सीले, ट्रेवेलियन, होम्स। इम्पॉर्टेंट है सर सैयद अहमद खान और दुर्गादास। ठीक है, राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? अशोक मेहता और बेंजामिन डिजराइली ने। और स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? वी डी सावरकर जी ने कहा। ठीक है, अब कुछ सोर्स जान लेते हैं। सबसे पहले जो सोर्स है वी डी सावरकर की, वी डी सावरकर की किताब है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, द इंडियन वार ऑफ, ये इंग्लिश में ही नाम है इसलिए इंग्लिश में ही जानिए। ठीक है, इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसको लेकिन सबसे पहले मराठी में छापा गया था 1906 में। ठीक है, और उसमें इन्होंने ये बात कही है कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, उसी किताब में उन्होंने कही है। इस किताब को अगर आप अभी भी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका खून खौल जाएगा कि क्या क्या हमारे साथ अत्याचार किया गया था। इसीलिए जब पता चली अंग्रेजों की बात तो इस किताब पर बैन लगा दिया गया था कि ये भारत में नहीं छपेगा, तो बड़ी मुश्किल से इसको हॉलैंड में छपवाया गया। ठीक है, हॉलैंड से छप के ये इलीगल तरीके से इंडिया में आई। अब इसका कई भाषा में इसका ट्रांसलेट हो चुका है, हिंदी में इस किताब का नाम है 1867
57 का स्वतंत्रता समर, ठीक ठीक है। तो पहला सोर्स जो हमारा था ये वीडी सावरकर किताब थी। पूछा गया है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखा है, वीडी सावरकर जी ने लिखा है। एक बार पूछा गया है कि ये किस भाषा में मूल रूप से प्रकाशित हुई थी, यूपीपीसीएस का सवाल है, ये मराठी में हुई थी प्रकाशित, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको बैन लगा दिया गया था और ये हॉलैंड में प्रकाशित हुई और इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन हुआ उसका नाम है 1857 का स्वतंत्रता समर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है सर सैयद अहमद खान, हम लोगों ने इनके बारे में अभी जस्ट पढ़ा है, सर सैयद अहमद खान, ठीक। इनकी जो किताब है इस किताब का नाम कौन बताएगा, अशबाब ए बगावत हिंद, बगावत ए हिंद, ठीक। इसमें इन्होंने क्या बोला था, इसका कंक्लूजन क्या था कि ये एक सैनिक विद्रोह है, ये कुछ सैनिक जिनको कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी उन्होंने बात को उठाया और बात को दबा दिया गया, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, ठीक है। तीसरा जो सोर्स है वो है अशोक मेहता की किताब, अशोक मेहता की किताब द ग्रेट रिबेलियन, रिबेलियन इस किताब में इन्होंने क्या लिखा, इस किताब में इन्होंने लिखा कि एक राष्ट्रीय विद्रोह है, कि पूरा राष्ट्र इस में एक साथ खड़ा था और सबों ने आवाज़ उठाई, ठीक है। चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली बीपीएससी ने कुछ साल पहले इस पे दो बार लगातार पूछा है मेंस में सवाल, ये है आरसी मजूमदार, ठीक है। आज़ादी के बाद क्या हुआ कि लोगों ने सोचा कि इस पे अंग्रेज़ों ने तो कई बातें लिख दी कि बड़ा ये सैनिक विद्रोह है, ये है, छोटी चीज़ है, लेकिन लोगों को पता चलना चाहिए। तो आरसी मजूमदार को 1957 में लगभग 100 साल के बाद जिम्मेदारी दी गई कि आप किताब लिखिए, ठीक है। तो उन्होंने किताब लिखा सिपोए म्यूटिनी 18 रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है, सिपोए म्यूटिनी रिवोल्ट ऑफ, ये कुछ फैक्चुअल है इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ कि सवाल यहाँ से आते हैं, ठीक है। इसमें किताब में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट बड़ा शॉकिंग था, इन्होंने कहा कि ना ये प्रथम था, नीदर फर्स्ट, ना ये प्रथम, ना ये राष्ट्रीय, और ना ये, ना ये ठीक है, ना राष्ट्रीय और ना स्वतंत्रता का संग्राम था, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम। क्यों इन्होंने ऐसा बोला, क्योंकि इनका मानना था कि इसके पूर्व में भी कई बार विद्रोह हो चुका है, ठीक है। दूसरा था कि ना राष्ट्रीय, ये पूरे भारत में नहीं फैला है, जो साउथ इंडिया में नहीं गया है, ना स्वतंत्रता संग्राम, क्योंकि ये आज़ादी के लिए था ही नहीं, सबका अपना अपना इशू था। तो भारत सरकार नाराज हो गई, भैया आपको दिए थे लिखने के लिए, आपने क्या लिख दिया, उठपटांग लिख दिया। तो दूसरा दिया गया सुरेंद्रनाथ सेन को, ठीक है, इसके बाद दिया गया सुरेंद्रनाथ सेन को कि भैया आप लिखिए और सही पक्ष लिखिए, ये करो, ठीक मैं आता हूँ थोड़ा, चलो। सुरेंद्रनाथ सेन को दिया गया, इन्होंने कब लिखा था, 1960 में लिखा था, डेट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है किताब का नाम 1857, सिंपल, ठीक है, कोई तरक भरक नहीं 1857, और यही भारत की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल किताब है 1857 के विद्रोह में, ठीक है, ऑफिशियल है। अब इस किताब में इन्होंने क्या कंक्लूजन लिखा ये जानना जरूर, इन्होंने लिखा कि ये
धार्मिक विद्रोह से शुरू होकर स्वतंत्रता संग्राम तक की कहानी है। ठीक है, रिलीजियस रिवोल्ट, धार्मिक विद्रोह से रिलीजियस रिवोल्ट टू वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस, तो ये दोनों नाम जो है सुरेंद्रनाथ सेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी किताब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब बताइए, यहाँ तक में कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन? सबसे पहले वी डी सावरकर जी थे आए थे, वी डी सावरकर जी की किताब है, कौन सी किताब वी डी सावरकर, जल्दी बताइए, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस है वी डी सावरकर जी की। ठीक है, उसके बाद सर सैयद अहमद खान, अशबाबे बगावते हिंद, ये आपको नाम अब एग्जाम तक नहीं भूलेगा, इतनी बार मैंने रिपीट कर दिया है। ठीक है, अशोक मेहता का द ग्रेट रिबेलियन, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं याद करना है। आर सी मजुमदार जी का सिपोए म्यूटिनी और रिवोल्ट ऑफ 1857, नोट्स मिल जाएगा, जो मैं लिख रहा हूँ ये सब मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और इसके बाद भी मैंने एक बार अच्छा नोट्स बनवाया है हिंदी इंग्लिश दोनों में। सर कन्फ्यूजन रहता है कौन सा वर्ग इस विद्रोह में भाग लिया था, कौन सा नहीं, सब सब क्लियर हो जाएगा शुभम, जहाँ तक मैंने पढ़ाया है वहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ये बताइए पहले। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है सुरेंद्रनाथ सेन ने 1960 में किताब लिखा 1857, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल बुक है। इस पर भी सवाल आ चुका है कि 1857 की क्रांति के रिलेटेड कौन सा ऐसा किताब है जो कि भारत सरकार का जो ऑथराइज किताब है, तो भारत सरकार का ऑथराइज किताब है 1857, उसके राइटर है सुरेंद्रनाथ सेन, एस एन सेन। ठीक है, सुभाष जी आपने सही क्वेश्चन किया है, शिवानी सुभाष जी ने क्या क्वेश्चन किया मैंने नहीं देखा। मैंने सुभाष जी का क्वेश्चन नहीं देखा, क्या किया सुभाष जी ने क्वेश्चन, तो सुभाष जी एक बार दोबारा पूछ दीजिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कुछ पीटी के लिए लेके हम लोग कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं जहाँ से सवाल आते हैं, क्योंकि फैक्ट्स में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ लेकिन फैक्ट्स आते हैं तो उसको जानना जरूरी है। पहला फैक्ट, ये एक हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र है। ठीक है, कथन, ठीक है, स्टेटमेंट, कि 1857 जो है यह एक हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र। ठीक है, यह किसने कहा था, यह कहा था आपको टेलर और आउटरम। ठीक है, OU2RM आउटरम, ठीक है, टेलर और आउटरम ने कहा था ये एक हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरा जो था इम्पॉर्टेंट कथन कि 1857 का जो ये क्रांति थी ये बर्बरता, ठीक है, बर्बरता और सभ्यता के मध्य संघर्ष, उसको नोट भी करते रहिएगा आप लोग, संघर्ष। ठीक है, ये किसने कहा था, ये कहा था आपको होम्स ने। ये सवाल आ चुका है, बीपीएससी में सवाल आ चुका है तो इसलिए इसको जरूर नोट कीजिएगा, बर्बरता और सभ्यता के मध्य संघर्ष है, होम्स ने कहा। बर्बरता कौन है, भारतीय, सभ्यता कौन है, अंग्रेज, इन दोनों के बीच संघर्ष था कि जिनको कि कोई सभ्यता नहीं है, सब असभ्य लोग और सभ्य लोग के बीच का ये संघर्ष। ठीक है, तीसरा जो इम्पोर्टेंट आपको स्टेटमेंट है जो कई बार पूछा गया है, ये धर्म के अंधे, ठीक है, धर्मांधो का ईसाइयों के खिलाफ युद्ध। ठीक है, ये किसने कहा था, रिज ने कहा था, RIDGES। ठीक है, ठीक है, ये तीन कमेंट हैं, ये अक्सर पूछे जाते हैं तो इन तीनों को जान लीजिए। ठीक, अब कुछ स्टेटमेंट के बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई बार पूछे गए हैं बीपीएससी में,
यूपीएससी में पूछे गए कि 1857 युद्ध का प्रतीक क्या था, प्रतीक मतलब सिंबल क्या था, तो इस सिंबल था आपको कमल और रोटी, ठीक है। ठीक, पहला हो गया। दूसरा, उस वक्त ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ठीक, पामर्स्टन थे, PLMER पामर्स्टन। ठीक, तीसरा था, उस वक्त वहां पे क्वीन कौन थी, महारानी कौन थी? विक्टोरिया थी, विक्टोरिया थी। ठीक है, गवर्नर जनरल इंडिया में कौन थे, गवर्नर जनरल इंडिया में कौन थे, ये पूछा गया सवाल, इसलिए इसको फैक्ट से नोट कर। जब भी हम 1857 पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट तो पढ़ेंगे लेकिन इन चीज़ों को भी हम अपने दिमाग में फिट करके रखेंगे। लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। और मुख्य सेनापति कौन था भारत में, कुछ लोग कैंपबेल बोलेंगे लेकिन इसका सही जवाब है सेनापति एनिसन थे, ठीक है, एनिसन। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, ये सवाल आते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग यहाँ तक हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी, क्योंकि ये फैक्ट्स है तो इसको, फैक्ट्स को आपको जानना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट की बात क्या करेंगे, ये हमारा पृष्ठभूमि हो गया, डन, स्वरूप हो गया। अब कारण, कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण इंपॉर्टेंट है, विस्तार इंपॉर्टेंट है और परिणाम इंपॉर्टेंट है। कारण में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। अब कारण जो होगा आपका, दो तरह का कारण होगा। कारण कितने तरह के होंगे आपके 1857 के, कारण जो होगा वो दो तरह का होगा। क्या क्या होगा? पहला होगा आपका दीर्घकालीन कारण। दीर्घकालीन कारण का क्या होता है, दीर्घकालिक कारण, लॉन्ग टर्म कॉज, ठीक है। और एक होगा तत्कालिक, मतलब टेम्पोररी ऐसा क्या हुआ कि ये युद्ध हो गया। अब दीर्घकालिक और तत्कालिक को आप समझ सकते हैं, लेकिन छोटी सी बात में समझते हो, ऐसा बहुत दिनों से ऐसा क्या काम हो रहा था, कैसा ऐसा क्या सिचुएशन बन रहा था कि ये युद्ध की नौबत आई, ठीक है। तो दीर्घकालिक कारण को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेंस का आंसर, पीटी का आंसर, कई चीज़ आपका यहाँ से सॉल्व होगा। और तत्कालिक कारण क्या हुआ कि तुरंत ऐसा ट्रिगर हो गया कि उनको ये युद्ध करना पड़ा, ठीक है। आता हूँ थोड़ी देर में, चलो आता हूँ, चलो ठीक है। चलिए तो हम लोग दीर्घकालिक कारण से शुरू करेंगे और फिर हम लोग तत्कालिक कारण पर जाएंगे। दीर्घकालिक कारण क्या क्या है एक बार हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले दीर्घकालिक कारण का, पहली स्लाइड में इसको हम लोग पांच भाग में बांटेंगे। पहला है आपको राज नैतिक एवं, ठीक है, प्रशासनिक कारण, ठीक है। थोड़ी राइटिंग मेरी गंदी है तो हिंदी की राइटिंग खराब है, इंग्लिश की अच्छी है, ठीक है। दूसरा है आपको धार्मिक और सामाजिक कारण, सामाजिक कारण, ठीक है। तीसरा है आपको आर्थिक, याद कर लीजिए क्योंकि ये एज इट इज सवाल आएगा इसमें से, आर्थिक कारण, ठीक है। चौथा है आपको सैनिक कारण, ठीक है। और पांचवा आपका आ जाएगा तत्कालिक कारण, ठीक। अब एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें डिटेल में चलते हैं कि राजनीतिक कारण क्या कहते हैं, ठीक है। अब पहला जो आपका पोर्शन है वो है राजनैतिक एवं प्रशासनिक कारण। चलिए पहला है आपको, सबसे पहले वेलेजली की सहायक संधि आई थी। वेलेजली की सहायक संधि क्या थी ये हम लोग
डिटेल में देखेंगे वेलेज़ली की सहायक संधि। ठीक, वेलेज़ली की सहायक संधि क्या थी? वेलेज़ली ने बोला कि भैया जैसे अश्वमेध यज्ञ होता था उसमें घोड़ा दौड़ाया जाता था, घोड़ा जिस जिस क्षेत्र से गुजर जाए वो क्षेत्र मेरा होगा, जिसने मेरा घोड़ा रोका उसको मुझसे युद्ध करना होगा। वेलेज़ली साहब ने भी यही बात बोला, वेलेज़ली साहब ने बोला कि भैया मैं आपके साथ, इसको इंग्लिश में सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, आप मेरे साथ आके जुड़ जाइए, नहीं जुड़िएगा तो मैं आपसे युद्ध करूंगा, और आप मुझसे जुड़ जाते हैं तो मैं आपके यहाँ क्या करूंगा, अपना एक रेजिडेंट रखूंगा। रेजिडेंट का मतलब क्या होता है, जो आपके सारे डिसीजन आपको इससे पूछ के लेना है, ठीक है। सेना रहेगी मेरी वहाँ पे, सारा खर्चा आप उठाएंगे, ठीक, सारा खर्चा आप उठाएंगे, सेना रहेगी मेरी, सारा खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, ठीक, आप कोई भी डिसीजन खुद से नहीं ले सकते हैं, आपको जो भी डिसीजन लेना है हमारे अंडर आके लेना है, अगर आप इस पर साइन नहीं करते हैं तो हम आपके आपसे युद्ध करेंगे, युद्ध में आपको हराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें से कुछ लोगों ने बोला कि नहीं भैया मुझे रेडी है, तो हैदराबाद 1798 में आके सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि साइन कर लिया उन्होंने। उसके बाद मैसूर को हराया उन्होंने और मैसूर से 1799 में सहायक संधि साइन कराया। तीसरा है तंजौर से 1799 में सहायक संधि साइन कराया। उसके बाद अवध से 1801 में कराया और उसके बाद पेशवा से और एजोनी जाता रहा, ठीक है। तो सहायक संधि हम समझ गए, किससे किससे कराया समझ गए। सहायक संधि से क्या हुआ कि वहाँ के लोगों का शोषण होना शुरू हुआ, क्योंकि सब कुछ है वो कंपनी के हिसाब से चलेगा। एक कंपनी जिसको सिर्फ पैसे से मतलब है वो आपके विकास के लिए कोई मतलब नहीं रखेगी। आप सोच लीजिए, सरकार सिर्फ आपसे टैक्स ले रही है, कोई आपका ना रोड बनवा रहा है, रोड एकदम टूटा हुआ है, वो पंचायत का फुलेरा गांव जैसा रोड हो गया है, कोई पानी का सप्लाई नहीं, कोई हेल्थ का वो नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ पैसा वसूलना है और जाना है। तो सोचिए क्या हालत हो गई होगी। तो इसलिए लोगों के मन में अच्छा खासा विद्रोह हो गया कि नहीं भैया, ठीक है, ठीक, किसी को कोई डाउट है क्या? मेंस का सबसे बड़ा आंसर राइटिंग टॉपिक है, हाँ ये मेंस का राइटिंग में, सारा मेंस का आंसर राइटिंग में करा दूंगा आपको। दो क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे, पीटी का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, मेंस का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, मेंस का क्वेश्चन मैं आपको लिखने के लिए भी दूंगा और चाहूंगा कि आप लोग उसका जवाब भेजें और उसमें हम लोग इंप्रूव भी करेंगे, अपना मेंस आंसर राइटिंग भी इंप्रूव करेंगे और टॉपिक की समझ भी इंप्रूव करेंगे, ठीक है। वेलेज़ली की सहायक संधि आती है 1798 में। वेलेज़ली साहब बोलते हैं कि मेरी सहायक संधि है, आप या तो साइन कीजिए नहीं तो मुझसे युद्ध कीजिए, साइन कीजिएगा तो मेरा एक रेजिडेंट आपके यहाँ बैठेगा, मेरी सेना रहेगी, सारा खर्चा आपको उठाना है और डिसीजन सारा आपको हमसे मुझसे पूछ लेना है। तो कुछ लोगों ने फटाफट से साइन कर दिया, लेकिन वहाँ की जनता में आक्रोश आ गया कि नहीं भैया ये हमारे साथ गलत हुआ है, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग, एक मिनट, उसके बाद आता है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड तो नहीं लिखना चाहिए लेकिन चलिए लॉर्ड डलहौजी की आई। इसके बाद राज्य हड़प नीति, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, क्या था ये? इसमें था कि अगर कोई राजा जिसकी अपनी संतान नहीं है वो, उसने कोई बच्चे को एडॉप्ट किया है, तो मैं उसका अगला जो है उसको नहीं जाएगा, वो हमारे अंदर आ जाएगा, कंपनी के शासन में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, बहुत आसान चीज़ है। राज्य हड़प नीति इनके द्वारा लाया गया, इसमें इन्होंने ये कहा कि अगर कोई राजा जिसकी अपनी कोई संतान नहीं है, ठीक है, वो बच्चा एडॉप्ट करके अपनी साम्राज्य को आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, आपको सीधे सीधे वो कंपनी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कहाँ स्टार्ट हुआ, सतारा में स्टार्ट हुआ 1848 में। चलो आता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ, चलो, ठीक है। फिर उसके बाद संबलपुर, संबलपुर उड़ीसा और जैतपुर में 1849 में हुआ, ठीक है। फिर उदयपुर 1852,
झांसी, झांसी वाली रानी जो जिसके जिसका उन्होंने अपोज किया 1853। देखिए हम लोग 1858 के पास पहुंचते जा रहे हैं। फिर नागपुर 1854 और अवध, ये बड़ा वो था अवध, ठीक है अवध। यहाँ पे 1856 में यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप नहीं था, यहाँ था कुशासन, बैड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। क्या था यहाँ पे? बैड एडमिनिस्ट्रेशन, कि आप यहाँ पे चलाने के लिए सक्षम नहीं है, इसलिए हमने आप पे कंट्रोल कर लिया है, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट कारण बना, ठीक है। चलिए, तो ये आपको क्लियर है, डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बड़ा आसान है। हम लोग अभी किस पे हैं? हम लोग अभी आपको दीर्घकालिक कारण है, दो कारण थे, दीर्घकालिक कारण और तत्कालिक कारण। दीर्घकालिक कारण में हम लोग चार कंपोनेंट है, राजनीतिक और प्रशासनिक, सामाजिक और धार्मिक, आर्थिक और, ठीक है, और सैनिक। हम लोग अभी राजनीतिक और प्रशासनिक कारण में हम लोग पहला हमने पढ़ा वेलेज़ली का सब्सिडरी अलायंस, दूसरा हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पढ़ रहे हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है कि अगर कोई राजा या रानी उसकी अपनी संतान नहीं है तो एडॉप्टेड जो बच्चा है उसको साम्राज्य नहीं जाएगा, हमें चलाएगा, ठीक है। अब समझ लीजिए कि हम कोई देश है, मैं दूसरे देश की बात करता हूँ, नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, उनका अगर अपना बच्चा नहीं है तो वो नेपाल भारत के अंदर आ जाएगा, ऐसा कुछ हम नियम बनाते हैं, उस टाइप से ये नियम बनाया गया था। तो बहुत ज़्यादा इसमें लोगों के अंदर गुस्सा था, जैसे झांसी की रानी थी उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि मेरे बच्चे को मान्यता नहीं दी जा रही है, नहीं रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, और पूरा का पूरा ये चला गया अंग्रेज़ों के पास। और अवध में जब हुआ तो अवध में क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा जो सैनिक थे वो अवध के ही थे, और उनको इस बात का गुस्सा आ गया कि भैया मेरे यहाँ का चला गया, और जब ये अपने अंदर ले लेते थे तो वहाँ की हालत ख़राब कर देते थे। जो राजा जो भी थे, थोड़ी तो इंसानियत थी, थोड़ी क्या बहुत इंसानियत थी अंग्रेज़ों के कंपेरेटिवली, वो लोग क्या करते थे कि नहीं भैया थोड़ा ध्यान देते थे, ये लोग क्या था कि नहीं बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, अब लोग आगे चलते हैं। तीसरा जो कारण है राजनीतिक और प्रशासनिक में, वो है आपको मुगल के प्रति अंग्रेज़ों का व्यवहार, ठीक है। तीसरा जो कारण है आपको मुगल के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार। ये क्यों पॉइंट उठा रहा हूँ मैं, देखिए ये पॉइंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी मुगल को लोग तब तक मानते थे कि भैया कुछ भी हैं, ये हमारे लीडर हैं, और जब उनके खिलाफ ऐसा होने लगा कि नहीं भैया आपको चीज़ें कर्टेल की जाएंगी, सबसे पहला क्या कर्टेल किया गया कि बहादुर शाह जफर को दरबार लगाने से रोक दिया गया। किसने रोका? बहादुर शाह जफर जो उस वक्त मुगल शासक थे, बहादुर शाह जफर को लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड ने दरबार लगाने से प्रतिबंधित कर दिया। उस वक्त गवर्नर जनरल थे, जी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। दरबार लगाने से प्रतिबंधित कर दिया कि भैया आप दरबार नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक, आपको दरबार लगाना अलाउ नहीं है। तो लोगों के मन में गुस्सा है कि भाई हमारे राजा थे, ठीक है। दूसरा था कि खिल्लत, एक बार ये पूछा गया है इसलिए मैं इसको समझा देता हूँ। खिल्लत क्या है? दो टर्म है, एक है खिल्लत और एक है नज़र लेना, ठीक है, एवं एंड नज़र लेना। खिल्लत क्या है? राजा गिफ्ट देता था जनता को कि आओ भैया तुम्हारा गाना अच्छा लगा, ये लो मेरा सोने का हार, ये लो मेरा ये लो पैसे, तो उस पर रोक लगा दिया कि राजा कुछ भी नहीं दे सकता है आपको, हर चीज़ पर बैन है, ठीक है। नज़र लेना मतलब क्या होता था कि लोग राजा के लिए ले जाते थे कि ये सेब है, हमारे फार्म का सेब है, ये ले जाइए, दूसरे राजा कुछ गिफ्ट देते थे तो उस पर भी मना कर दिया, ठीक है। खिल्लत मतलब गिफ्ट देना और गिफ्ट लेना, दोनों पे रोक लग गया, ठीक है, दोनों को रोक दिया गया, ठीक। उसके बाद तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इनको दुख हुआ, लॉर्ड एलन बोरो ने सिक्कों पर से, क्वाइन पर से बादशाह का नाम हटा दिया, बादशाह का नाम हटा दिया। अब लोगों में बड़ा विद्रोह हो गया कि भैया मेरे बादशाह का नाम हटा दिया गया, अब कुछ भी जी है, महात्मा गांधी से मैं बहुत अटैचमेंट है, कल के डेट में कोई महात्मा गांधी का हटा के
और क्वीन एलिजाबेथ का लगा दिया, बड़ा लोगों में गुस्सा आएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं डलहौजी। डलहौजी ने इनको बोला कि लाल किला खाली कर दीजिए आप, ठीक है, लाल किला खाली कीजिए, वेकेट कीजिए। और पांचवा जो सबसे ट्रिगर हुआ वो है कैनिंग जब आए, मतलब इन्होंने कहा कि बादशाह का पद जो है, बादशाह का पद समाप्त होने जा रहा है अब आपके बाद, का पद समाप्त, ठीक है। तो ये लॉन्ग वाले में आपको पहला है कि दरबार लगाने से प्रतिबंधित कर दिया गया, गिफ्ट लेना और देना रोक दिया गया, सिक्कों पर से नाम हटा दिया गया बादशाह का, लाल किला खाली करने के लिए बोल दिया गया, और लास्ट था आपका कि भैया बादशाह का पद ही समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो ये जो था एक पॉइंट, ये बड़ा वो था, किसी को भी ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हमारे मुगल शासक, जिसको कि हम लोग शासक मानते हैं, शासक कैसा भी हो, अच्छा हो खराब हो, लेकिन ये लोग शासक मानते थे, और शासक के साथ जब ऐसा व्यवहार किया गया तो इनको बुरा लगा, ठीक है। ये हो गया आपको ऊपरी। खिल्लत मतलब होता है गिफ्ट देना, बादशाह गिफ्ट देता है किसी को भी, जब आप बादशाह के यहाँ जाइएगा तो बादशाह निकाल के दे देता है गिफ्ट कि लो भैया ये गरीब आदमी है, इसकी बेटी की शादी है, इसको 1,000 रुपये दे दो, 1,00,000 रुपये दे दो, उस टाइप से गिफ्ट देना। और नज़र लेना मतलब गिफ्ट लेना, लोग गिफ्ट लेके जाते हैं, जैसे आप जाते हैं किसी के यहाँ मिलने, बड़े आदमी के यहाँ, तो आप नहीं ले जाते हैं कि भाई मेरे यहाँ खेत के आम हैं ये ले लीजिए, तो दोनों पर रोक लगा दिया गया, ठीक है। मेरा मीडियम इंग्लिश सर सरजीत जी, और मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया अपने पढ़ाई को कि लोगों को समझा सकूं, मेरी हिंदी की राइटिंग इसलिए ख़राब है क्योंकि हिंदी लिखने का मौका जब पढ़ाता हूं तभी मिलता है, ठीक। ये तीसरा कारण था। चौथा कारण क्या हुआ? चौथा कारण हुआ पेशवा के साथ व्यवहार। पहले था मुगल के साथ व्यवहार, फिर तीसरा, चौथा था पेशवा के साथ व्यवहार। ये क्या है? चौथा कारण है। अब इसमें क्या हुआ कि जो अंतिम पेशवा थे, अंतिम पेशवा कौन थे? अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय, ठीक है। इनको क्या किया गया कि उस क्षेत्र से हटा के कानपुर के पास, कानपुर के पास पूरा जो मराठा क्षेत्र था महाराष्ट्र की तरफ, वहां से हटा के कानपुर के पास बिठूर गांव में शिफ्ट कर दिया गया 1802 में, ठीक है। और इस इनको पेंशन दिया गया 8,00,000 रुपये ईयरली पेंशन, और इनका जो दत्तक पुत्र था, एडॉप्टेड पुत्र था, उसको बोल दिया गया कि भैया इनके एडॉप्टेड पुत्र का नाम था धोंधु पंत, धोंधु पंत, ऋषभ पंत है ना भाई, धोंधु पंत, इनको नाना साहब भी कहा जाता है, ठीक है। इनको पेंशन देने से मना कर दिया गया धोंधु पंत को, ठीक, पेंशन डिनाई कर दिया गया। पहला क्या हुआ कि पेशवा को मराठा क्षेत्र से बाहर कर दिया गया, तो लोगों में अटैचमेंट था कि भैया पेशवा हमारे लीडर हैं, बाजीराव लीडर हैं, मराठा क्षेत्र से बाहर कर दिया गया बाहर। और उसके बाद जो पेंशन मिल रहा था वो भी बंद कर दिया गया, इसके लिए भी लोगों के मन में बड़ा गुस्सा था कि भैया ये किया गया, ठीक है। पांचवा कारण क्या था? अवध के साथ व्यवहार। अवध कौन सा क्षेत्र है, किसको पता है अवध कौन सा क्षेत्र है? अवध के साथ व्यवहार, अभी का जो लखनऊ प्लस कानपुर का जो क्षेत्र है वही आपको अवध का क्षेत्र है, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ? सबसे पहले 1801 में सहायक संधि साइन करा लिया गया इनसे, सहायक संधि साइन करा लिया गया, ठीक है। तब भी नहीं मन भरा तो 1852 में कुशासन का आरोप लगाकर, कुशासन का आरोप लगाकर इनका क्षेत्र को हड़प लिया गया और इसको बना दिया गया कमिश्नरी क्षेत्र। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि पहला कमिश्नरी क्षेत्र, पहले आया हुआ ऑप्शनल का क्वेश्चन है, फर्स्ट कमिश्नरी क्षेत्र कौन सा था बाहर भारत का, तो ये था अवध, ठीक है। और यहाँ एक कमिश्नर जो बनाया गया उनका नाम था हेनरी लॉरेंस,
क्या किया गया, 1802 में सहायक संधि साइन कराया गया। सहायक संधि में था डिसीजन आप हमसे पूछ लीजिएगा। 1852 में पूरा का पूरा क्षेत्रीय हड़प लिया गया राज्य हड़प नीति के तहत, कि आपका कुशासन है, आपके यहाँ बैड एडमिनिस्ट्रेशन है, और इसको कमिश्नरी क्षेत्र बना दिया गया। और यहाँ पहले जो कमिश्नर बने वो बने हेनरी लॉरेंस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके कारण क्या फ़र्क पड़ा, इसके कारण फ़र्क ये पड़ा कि सबसे ज़्यादा सैनिक जो थे वो अवध क्षेत्र के थे, उनके मन में गुस्सा आ गया कि भैया हमारे ही खिलाफ, हमारे ही उसको तुम लोग गलत करवा रहे हो, हमारे ही घर पे तुम लोग हम ही से अटैक करवा रहे हो। तो लोगों में बहुत ज़्यादा विद्रोह आ गया कि नहीं भैया अब बर्दाश्त नहीं होगा। और सैनिक ही जो थे सबसे पहले किसी भी चीज़ को विद्रोह कर देते, ठीक है, क्योंकि आग वहीं से लगती थी, वो लोग के पास आर्म्स था, एमिनेशन था, तो उन लोगों के पास और सॉरी समझ थी, क्योंकि अंग्रेजों के संपर्क में थे। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आया। चलिए, तो छठा पॉइंट है जो हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे रिसेंटली भी सवाल आया है। छठा पॉइंट क्या है, इधर से लिखता हूं, जमींदारों के साथ व्यवहार। अब इसमें क्या हुआ कि एक आया आपको कमीशन, उस कमीशन का नाम था इनाम कमीशन। ठीक है, इनाम कमीशन, इनाम कमीशन का क्या था कि जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाया गया था, कर का टैक्स वसूलने का जो सिस्टम था, उस सिस्टम में कुछ ऐसी ज़मीनें जो थी जो कि लोगों ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया हुआ था ज़मींदारों को, जो कि कर सिस्टम से बाहर थी, तो उसके लिए इनाम कमीशन लाया गया कि जितनी भी ज़मीन है सबको चेक कीजिए और जो जो लोग टैक्स नहीं देते उनको टैक्स के दायरे में लाइए। तो इनाम कमीशन ने 35,000 ज़मीन का जाँच किया, जिसमें से 20,000 ज़मीन को जिस पर टैक्स नहीं दिया जा रहा था उसको जब्त कर लिया गया और उस पर टैक्स स्टार्ट कर लिया गया। तो अब जमींदारों के साथ, जमींदारों का जो समझ लीजिए आपका पर्सनल ज़मीन है जिसको छुपा कर रखा गया था या किसी मामले में रखा गया था, उस पर टैक्स लगने लगा। ठीक है, इनाम कमीशन क्या था, इनाम कमीशन था कि सभी जो ज़मीन है सभी को फिर से चेक कीजिए कि किस पे कितना टैक्स है, और ऐसी कोई ज़मीन जो कि टैक्स के दायरे के बाहर है उस पर टैक्स लगाना शुरू कीजिए। ठीक है, तो ये इनाम कमीशन पे सवाल आ चुका है, तो इसको कितने लोग जानते थे इनाम कमीशन को, इसलिए जान लीजिए। इनाम कमीशन से कुछ दिन पहले भी सवाल आया था, तो इनाम कमीशन आपको पता होना चाहिए कि इनाम कमीशन क्या है, क्यों है, कैसे है। ठीक है, ये आपका राजनीतिक और प्रशासनिक कारण हो गया। अब हम लोग आर्थिक कारण पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं रिविजन कराता चलूँगा बीच बीच में। अब हम लोग राजनीतिक कारण पर जाएंगे कि राजनीतिक कारण क्या है इसके, और राजनीतिक कारण के बाद सॉरी आर्थिक कारण जाएंगे, धार्मिक और सामाजिक कारण जाएंगे। तो आज की क्लास लगभग एक घंटे की क्लास हो चुकी है, तो आज यहीं रोकते हैं, कल हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ज़्यादा बाउंस नहीं हो जाए आपको, अभी तक के पढ़ाए हुए में कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन। एक बार और बता दीजिए, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी सबको रिकैप करा देता हूँ और आप लोग यहाँ से देखना शुरू कीजिए। 1857 की क्रांति में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले उसकी पृष्ठभूमि, उसका स्वरूप, कारण, विस्तार और परिणाम। ठीक है, पृष्ठभूमि हो गया बैकग्राउंड, स्वरूप हो गया नेचर, कारण हो गया कॉज, विस्तार हो गया एक्सपेंशन और परिणाम हो गया रिजल्ट। सबसे पहले पृष्ठभूमि पर जाएंगे। पृष्ठभूमि क्या थी इसकी, कि अंग्रेज आए थे व्यापार करने के लिए, 1757 में पलासी का युद्ध होता है, इनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, और उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन संभालने लगते हैं और इतना ख़राब एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं कि लोगों के मन में इनके प्रति आक्रोश आ जाता है। दूसरा स्वरूप, स्वरूप तीन तरह का स्वरूप है, सैनिक विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम। सैनिक विद्रोह में क्या है कि सिर्फ सैनिकों ने पार्टिसिपेट किया, राष्ट्रीय में क्या है पूरे भारत के लोगों ने पार्टिसिपेट किया लेकिन उनका सबका पर्सनल रीज़न था, और स्वतंत्रता संग्राम का मतलब क्या है कि सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया लेकिन सब भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। ठीक है, ठीक, सैनिक विद्रोह किसने किसने कहा, सर जॉन लॉरेंस, सर जॉन सीले, ट्रेवेलियन, होम्स, इंपॉर्टेंट इसमें सर सैयद अहमद खान और दुर्गादास। सर सैयद अहमद खान ने अपनी किताब अशबाबे बगावते हिंद में ये कहा था कि ये सैनिक विद्रोह है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विद्रोह कहा था अशोक मेहता और बेंजामिन डिजराइली ने, बेंजामिन डिजराइली यहाँ इंपॉर्टेंट है। तीसरा है स्वतंत्रता संग्राम कहा था वी डी सावरकर ने कि ये स्वतंत्रता का संग्राम है। लेवल टू के चलिए तो इंपॉर्टेंट नहीं, स्रोत क्या क्या है इसके, वी डी सावरकर की किताब है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, मराठी में लिखी गई थी, ठीक है। इसमें कहा गया कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में पहली जो इंडियन इंडिपेंडेंस का वार है ये, इसको बैन लगा दिया गया था, यह हॉलैंड में प्रकाशित हुई थी। दूसरा है सर सैयद अहमद खान ने अपनी किताब अशवावे बगाते हिंद में इसको सैनिक विद्रोह कहा। अशोक मेहता ने इसको द ग्रेट रिवेलियन में राष्ट्रीय विद्रोह कहा। आरसी मजूमदार से पहले भारत सरकार ने कहा कि भैया आप किताब लिख दीजिए हमारे लिए, पहले कहा भारत सरकार ने, पहले भारत सरकार इनसे कॉन्टैक्ट किया, इन्होंने कुछ नया ही कॉन्सेप्ट ला दिया कि ना ये प्रथम है। इन्होंने कहा कि इसके पहले भी कई बार विद्रोह हो चुका है, वेल्लोर विद्रोह हुआ था, क्या क्या विद्रोह हुआ था, और तो इसलिए ना ये पहला है, न राष्ट्रीय है क्योंकि साउथ इंडिया इसमें शामिल नहीं था, ना स्वतंत्रता संग्राम है क्योंकि इसमें सभी लोग का पर्सनल रीजन था। फिर भारत सरकार ने दूसरा मौका दिया सुरेंद्र नाथ सेन को, 1960 में उन्होंने किताब लिखा 1857, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल किताब है। फिर कथन पर कुछ जान लेते हैं, ये एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है, टेलर आउटरम ने कहा। बर्बरता और सभ्यता के बीच संघर्ष है, होम्स ने कहा, और धर्मांध और ईसाइयों के बीच संघर्ष है, रिज ने कहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1857 का प्रतीक क्या था, कमल और रोटी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय पामर्स्टन थे, क्वीन थी एल विक्टोरिया, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, मुख्य सेनापति थे एनिशन, ठीक है। और बीच का 12 नंबर, ठीक है। दो कारण होंगे इसके, दीर्घकालिक कारण और तत्कालिक कारण, ठीक है। दीर्घकालिक कारण में आएगा राजनीतिक और प्रशासनिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और सैनिक कारण। आज हम लोग राजनीतिक और प्रशासनिक कारण हमने कंप्लीट किया है। राजनीतिक का क्या था, उसमें सबसे पहले वेलेजली की सहायक संधि आती है। वेलेजली ने सहायक संधि में कहा कि या तो आप हमसे युद्ध कर लीजिए या हमारे साथ साइन कर दीजिए, साइन कीजिएगा तो हमारा एक रेजिडेंट आपके यहाँ बैठेगा, ठीक है, जो कि सारे डिसीजन को ओवरटेक करेगा आपके, सब उसी से पूछ के कीजिएगा, मेरी सेना वहाँ रहेगी, इसका सारा खर्चा आपको देना है, और कोई भी डिसीजन अगर आप लेते हैं तो आपको हमसे पूछ के लेना है। सबसे पहले हैदराबाद ने सहायक संधि साइन किया, फिर मैसूर ने किया, फिर तंजौर ने किया, फिर अवध ने किया, फिर पेशवा ने किया, ठीक है। आगे चलते हैं, लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति आई, अगर राजा कोई अपना बेटा नहीं है तो शासन कंपनी को चला जाएगा। सबसे पहले सतारा, संबलपुर, जैतपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर और सबसे लास्ट में अवध में हुआ था, जिसको कि कुशासन का इल्ज़ाम लगा के उस पर कंट्रोल कर लिया गया था। फिर बहादुर शाह जफर नहीं, फिर मुगल के साथ व्यवहार में रीजन है कि मुगल के साथ व्यवहार में बहादुर शाह जफर को दरबार लगाने से रोक दिया गया, खिल्लत और नज़र लेना पर रोक लगा दिया गया। लॉर्ड एलन बोरो ने जो सिक्के थे उस पर से नाम हटा दिया गया। डलहौजी ने लाल किला खाली करने कहा और कैनिंग ने कहा कि बादशाह का पद अब समाप्त हो रहा है। पेशवा के साथ व्यवहार में जो अंतिम पेशवा थे उनको मराठा के क्षेत्र में ही नहीं रहने दिया गया, बोला कि आप यहाँ रहना अलाउ नहीं है, आप जाइए कानपुर में रहिए, कानपुर में बिठुर गाँव में रह रहे थे। और इनके जो दत्तक पुत्र थे, एडॉप्टेड सन थे धोंदू पंत, इनका पेंशन बंद कर दिया गया और इनको बोला गया कि आपको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। अवध के साथ व्यवहार में क्या किया गया, अवध को 1852 में कुशासन का आरोप लगा के इन पे रोक लगा दिया गया और अवध को कमिश्नरी में कन्वर्ट कर दिया गया। पहली जो कमिश्नरी बनी वो हेनरी लॉरेंस वहाँ के कमिश्नर बने, ठीक है। और जमींदारों के साथ व्यवहार में इनाम कमीशन लाया गया, जो कि जो सारे ज़मीन का इन्होंने चेक किया और चेक करने के बाद कुछ ज़मीन पर कैर लगा दिया गया, ठीक है। चलिए ठीक है, एक बार मैंने रिपीट कर दिया, रिवीजन करा दिया, और अगर अभी भी कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो कल हम लोग फिर मिलते हैं 9:30 बजे और 1857 के विद्रोह को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़िया है, ओके, गुड नाइट।